झांसी में शॉर्ट सर्किट से फल मंडी में स्थित 3 दुकानों में लगी भीषण आग से लाखों कीमत का माल जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही नवाबाद थाना स्थित फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू करने का प्रयास शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक शहर कोतवाली क्षेत्र के निवासी अरविंद, राकेश और मनोज की फल मंडी में फल की 3 आड़त है। दोपहर अचानक तीनों दुकानों में धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे धुआं भयंकर रूप में तब्दील हो गया। आपको बता दें, आग का भयंकर रूप देखकर वहां भगदड़ मच गई। आनन फानन में घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक तीनों दुकानों में रखा करीब 8 से 10 लाख कीमत का माल जलकर राख हो गया। आग लगी किस प्रकार से कैसे जैसे ही फायर कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि फल मंडी में आग लगी हुई है, तुरंत हमने वाटर बाउजर 18,000 लीटर का तुरंत रवाना किया। इसके पीछे पीछे और एक फायर टैंकर, 2 टैंकरों से आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। एक दुकान और कुछ बरामदे में फल और आम लगे हुए थे, जिसको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई है। कारण क्या बताया जा रहा है साहब? आग का कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अभी जांच का विषय, जैसे ही जो है, क्योंकि गर्मी का दिन है और उसमें कागज गत्ता वगैरह बहुत। कितना नुकसान मानते हैं? अभी नुकसान का आकलन नहीं हो पाया। व्यापारियों से संपर्क करके बताया जा सकता है कितना हुआ है। आग पूर्ण रूप से बुझा दी गई। नाम है आपका? अरविंद ठगली। अरविंद जी, आपकी दुकान में आग लगी, कितनी दुकानों में आग लगी, कितने तक का नुकसान हुआ? कैसी आग लगी? 3 दुकानों में नुकसान हुआ है, 3 दुकानें जली हैं। किस किस की दुकान है? एक अपनी है और एक मनोज की है, एक रवि की है। 3 दुकानों में आग लगी है। क्या सामान था दुकान में? आम था, क्रेडे थी, खाते वगैरह थे, 10-12 लाख रुपए कांटे वाटे भी थे। अब कांटा ये तो पता नहीं है कि किस कारण से आग लगी है। आप लोग कहाँ गए थे? हम तो घर पे थे। मंडी कितने बजे तक चलती है? मंडी चलती है 12 बजे तक, 12-1 बजे के बाद चले जाते हैं हम लोग। यहाँ से फोन गए हैं तो हमें पता चला है, तो हम आए। मौके पे तो पानी की गाड़ी आ गई थी, अब हम आए तो आगे बुझा रही थी।